तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, आठवां वेतन आयोग को लेकर सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी बहुत ही उत्सुक है। जी हाँ दोस्तों, सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी आठवां वेतन आयोग यानी कि एट्थ पे कमीशन को लेकर काफी उत्सुक है और जानना चाहते हैं कि अगर आठवां वेतन आयोग आता है तो ऐसे में उनकी जो सैलरी या पेंशन है वो कितनी बढ़ने वाली है और इसका फार्मूला क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि आठवां वेतन आयोग अगर आता है तो ऐसे में आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी आठवें वेतन आयोग की चर्चा जो है केंद्र सरकार नहीं कर रही है, लेकिन अगर आठवां वेतन आयोग आता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर 10 साल के बाद वेतन आयोग आता है, ऐसे ही दोस्तों आपको बता दूं कि छठवां वेतन आयोग जब आया था तो छठवें वेतन आयोग में जो फिटमैन फैक्टर था यानी कि आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ने का जो फिटमैन फैक्टर था, फिटमैन फार्मूला था, वो 1.86 था। तो इसके हिसाब से छठवें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक जो थी वो 7,000 रुपये थी, वैसे ही मिनिमम पेंशन जो थी वो 3,500 रुपये थी छठवें वेतन आयोग की बात करें तो। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपके एक लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए। तो आप लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर सबके साथ जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि छठवां वेतन आयोग हर 10 साल के बाद जो है वेतन आयोग आता है, तो ऐसे में दोस्तों छठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से इम्प्लीमेंट हुआ और सातवां वेतन आयोग जो है 1 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंट हुआ। ऐसे में दोस्तों छठवें वेतन आयोग में यानी कि छठवें वेतन आयोग में जो फिटमैन फैक्टर का फार्मूला था वो 1.86 था, जिसके हिसाब से मिनिमम बेसिक हुई 7,000 रुपये और मिनिमम पेंशन हो गई 3,500 रुपया। ऐसे ही दोस्तों बात करें तो सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंट हुआ, तो इसमें जो फिटमैन फैक्टर का फार्मूला था वो 2.57 था, इसके हिसाब से मिनिमम जो बेसिक हुई वो 18,000 रुपये हुई, 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई और मिनिमम पेंशन जो है 3,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। ऐसे में दोस्तों जब सातवां वेतन आयोग आया तो उसमें 2.57 फिटमैन फैक्टर था, लेकिन कर्मचारी और पेंशन भोगी जो है असंतुष्ट थे और उनको जो चाहिए था वो 3.68 का फिटमैन फैक्टर चाहिए था। जी हां दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन भोगी चाहते थे कि उनको सातवें वेतन आयोग में 3.68 फिटमैन फैक्टर का फायदा दिया जाए। ऐसे में दोस्तों अगर 3.68 का जो फिटमैन फैक्टर का फायदा उनको दिया जाता तो मिनिमम बेसिक 26,000 रुपये होती और मिनिमम पेंशन जो है 13,000 रुपये होती। फिलहाल दोस्तों ये इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी चाहते थे, लेकिन ये उनको नहीं दिया गया। उनको क्या दिया गया, 2.57 फिटमैन फैक्टर के आधार पे मिनिमम बेसिक 18,000 रुपये और मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये, यानी कि जो कर्मचारी इस समय है तो उनकी मिनिमम बेसिक 18,000 रुपये होगी और मिनिमम पेंशन जो होगी 9,000 रुपये होगी। अब दोस्तों इन फ्यूचर अगर आठवां वेतन आयोग आता है, जी हाँ दोस्तों, अगर आठवां वेतन आयोग आता है तो फिटमैन फैक्टर क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसी के अनुसार जो 1.86 था सिक्स पे में और सेवन्थ पे में 2.57 था, इसी के हिसाब से अगर आठवां पे कमीशन आता है तो जो फिटमैन फैक्टर होगा वो 3.2 होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के हिसाब से अगर कंपेरिजन अगर आप करते हैं तो 1.86 था सिक्स पे में, सेवन्थ पे में 2.7, अब इसी के हिसाब से एट्थ पे में 3.2 फिटमैन फैक्टर रहेगा, तो इसके हिसाब से आठवें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक क्या हो जाएगी, 60,000 रुपये और मिनिमम पेंशन जो हो जाएगी वो 30,000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर ये तो हो गया, ये जो अभी बताया गया वो हो गया इसके आधार पर अगर आपका एट्थ पे आता है तो, लेकिन जो कर्मचारी और पेंशन भोगी जो चाहते हैं अगर उसके हिसाब से आठवां पे कमीशन आता है तो जो फिटमैन फैक्टर का फार्मूला होगा वो 5.5 का होगा, 3.28 का इसके हिसाब से हो जाएगा, लेकिन कर्मचारी और पेंशन भोगी जो चाहते हैं अगर वो लागू होता है तो 5.5 का फिटमैन फैक्टर फार्मूला होगा। इसके हिसाब से मिनिमम बेसिक जो हो जाएगी वो 99,000 हो जाएगी और मिनिमम पेंशन जो हो जाएगी वो 50,000 रुपये हो जाएगी एट्थ पे कमीशन में। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से अजम्पशन है, यानी कि ये पूरी तरह जो आपको बताया जा रहा है वो पूरी अज्यूम करके बताया जा रहा है। अभी आठवें पे कमीशन का कोई भी फार्मूला यह तय नहीं किया गया है, अगर तय होता है तो आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये दोस्तों एक अजम्पशन के आधार पर आपको जानकारी दी जा रही है, जो पहले लागू हो चुका है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 8th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक कितनी होगी और मिनिमम पेंशन कितनी होगी। जी हाँ, सो जैसे ऊपर मैंने बता दिया कि आपका अगर 8वां पे कमीशन उसी हिसाब से आएगा, जैसे कि 1.86 था 6th पे में, 7th पे में 2.57 हुआ और 8th पे में अगर 3.2 लेते हैं तो मिनिमम पे हो जाएगी 6,500 रुपये और मिनिमम पेंशन जो हो जाएगी 30,000 रुपये। अगर जो कर्मचारी और पेंशन भोगी जो चाहते हैं 5.5 के आधार पे, तो ऐसे में दोस्तों उनकी मिनिमम पे हो जाएगी 99,000 रुपये और मिनिमम पेंशन हो जाएगी कम से कम पेंशन 50,000 रुपये होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके हिसाब से आपकी जो सैलरी और पेंशन कितनी बनेगी। जी हाँ, तो अगर मान लेते हैं कि अभी करंट में किसी कर्मचारी का बेसिक पे 40,400 रुपये है, तो उसकी 3.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पे 1,32,000 रुपये उनकी मिनिमम जो है बेसिक हो जाएगी इस समय की, जो अगर इसके अकॉर्डिंग उनकी नई बेसिक हो जाएगी 1,32,000 रुपये। इसके ऊपर एचआरए डीए और टीए अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, वो इंक्लूड करके और भी जो सैलरी उनकी बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों जो कर्मचारी और पेंशन भोगी जो चाहते हैं, कर्मचारी पेंशन भोगी क्या चाहते हैं, 5.5 फिटमेंट फैक्टर, इसके हिसाब से अगर इस समय किसी कर्मचारी का 40,400 करंट में बेसिक है, तो 5.5 फिटमेंट फैक्टर के आधार पे 2,22,000 रुपये इस समय उनकी जो 8वां पे कमीशन आएगा, तो उसमें 2,22,000 उनकी मिनिमम बेसिक हो जाएगी 5.5 फिटमेंट फैक्टर के आधार पे, और 3.2 फिटमेंट फैक्टर के आधार पे 1,32,000 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों बात कर लेते हैं अगर पेंशन के केस में क्या होगा, जो अभी करंट में कोई भी पेंशन भोगी अगर 20,200 रुपये इस समय पेंशन पा रहे हैं, तो 3.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पे 8वें पे कमीशन में 66,256 रुपये उनकी मिनिमम पेंशन हो जाएगी। उसके ऊपर डीए इंक्लूड होगा तो और भी पेंशन बढ़ेगी। अगर 5.5 के आधार पे देखेंगे तो 1,11,000 रुपये जो होगी उनकी पेंशन हो जाएगी इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पे, अगर इस समय किसी पेंशन भोगी का 20,200 बेसिक पेंशन है तो। दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया कि किस प्रकार से अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो फिटमेंट फैक्टर का क्या चेंजेस होगा, आपको इसके अकॉर्डिंग बता दिया गया है कि 6th पे के अकॉर्डिंग 7th पे में कैसे गया, और 7th पे के बाद जो 8th पे आएगा तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कितना आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, और इसके हिसाब से आपकी मिनिमम बेसिक क्या होगी, मिनिमम पेंशन क्या हो जाएगी। और जो कर्मचारी चाहते हैं कि उनका 7th पे में जो फिटमेंट फैक्टर है 3.68 हो जाए और मिनिमम पेंशन जो है 13,000 रुपये हो जाए और मिनिमम बेसिक जो है 26,000 रुपये हो जाए। ऐसे ही कर्मचारी 8वें पे कमीशन में भी अगर इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो 5.5 का फिटमेंट फैक्टर फार्मूला देना पड़ेगा, और इसके हिसाब से मिनिमम बेसिक हो जाएगी 99,000 और मिनिमम पेंशन हो जाएगी 50,000। फिलहाल दोस्तों ये पूरी तरह से अज्यूम के आधार पर बनाया गया है, तो ये डेटा पूरी तरह से अजम्पशन के आधार पर है। इसके आधार पर बताया गया है कि जो इसके पहले प्रीवियस में आपका फिटमेंट फैक्टर रिवाइज होता था तो उसके हिसाब से ये रिवाइज करके बताया गया है। लेकिन दोस्तों अभी 8वां पे कमीशन जो है अभी आना बाकी है, अभी इसका मसौदा भी तैयार नहीं किया गया है। जब इसका मसौदा तैयार होगा तो इस प्रकार से दो फार्मूले तय किए जाएंगे हो सकता है इन फ्यूचर, तो दोस्तों जो फार्मूला तय किया जाएगा उसके आधार पर आपको बताया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ी सी आइडिया दिया गया है कि 8वां पे कमीशन आता है तो किस प्रकार से आपकी पे बेसिक पे बनेगी और किस प्रकार से आपकी पेंशन बनेगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।